से लग गया भाई, लगा भी पूरा अंदर तक है। गंदी नाली में गिर गई है, गंदी नाली में गिर गई है गंदी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार आज जा रहे हैं मानसपुर को लेके गांव। मैं मानसपुर देवतान पे, ये देवतान पे अभी तक गई नहीं है, तो आज मानसपुर गांव लेके जा रहे हैं मानसपुर मायरा दोनों को और साविया को भी। क्यों चलोगे ना? कह दो गाइस, जल्दी से जल्दी लाइक कर दो इसी बात पे और चलो चलते हैं, निकलते हैं। तैयार तो मैं हो गया अब। बोलो बोलो क्या बोलूँ। हाँ ये भी कह रही है जल्दी से जल्दी लाइक कर दो। तो निकलते हैं अभी और मिलते हैं आपसे रास्ते में। रास्ते में मिलेंगे ना, आपकी टी शर्ट पहना लेते हैं फिर निकलते हैं। माहिरा पहनेगी ये वाली टी शर्ट। क्या कर रहे हो ये, क्या कर रहे हो? ठीक से करो। लो ये टी शर्ट पहनोगे ना, ये पहनोगे, पहननी है ये। नई हरकत सीखी है उसने। ये कौन सी हरकत है भाई? ये कह रही है उठा लो मुझे, स्टाइल है इसका। गाइस तो मैं भी हो गई रेडी टी शर्ट वी शर्ट पहन के, और दिखाते हैं आपको अपना गांव का घर। गांव का घर दिखाएंगे ना, कह रहे गाँव का घर दिखाएंगे, ऐसे बता दें गाँव का घर। चलते अब, चलो रेडियो पर चलो, ठीक है चलो गाड़ी में बैठते हैं, चलते हैं। तो यार गाइस ज़्यादा पौना घंटा हो गया भाई बंदर देखते देखते, हमें बंदर अभी तक मिला नहीं, और जो भी मिले उन्होंने पहले से खाना खाया हुआ है इतना कि वो केले खा ही नहीं रहे। तो यार वापसी में देखेंगे, अभी हमने कुछ केले साइड में रख दिए हैं ये देखिए, बाकी वापसी में देखेंगे, तब तक शायद वो भूखे भी हो गए। ये है अपना गाँव का घर, थोड़ा गंदा हो रहा है, घास वास भी हो रही है थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि पहले जब माजी थी माजी रहती थी यहाँ पे, अब कोई नहीं रहता, खाली रहता है बस। गाड़ी अंदर खड़ी कर दी हमने, बाकी पीछे ट्रैक्टर खड़ा है तो अंदर ही कर नहीं पाए। पहले धुलाई करना है, बाल्टी से डाल देना, दे मैं लाऊं। तो यहाँ पर बैठी है तीनों और खेल रही है, पन्ने से खेल रही है तीनों की तीनों। ये साविया मायरो क्या कर रहे हो? हाँ तो यार यहीं पर ही अपना बीता है बचपन भाई, ऐसी हवा चलती थी, बहुत मज़ा आता था, और भाई सब मिलके खेलते थे भाई, ट्यूबवेल पे नहाने जाते थे, खेत जाते थे भाई, गुड़ की खीर बनाते थे, और भी बहुत सारे मज़े लिए भाई। कैसा लग रहा है गाँव आके? क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? खा जाऊँ आपको? नहीं टोना नहीं है, टोना नहीं है। जाओ
आशीर्वाद दे रही है क्या? हम बिठाने से हाथ दे दो, बस मुंह में हाथ देना गंदी बात होती है, मनो गंदी बात होती है, देख रहे हैं सब क्या मुंह में हाथ दे रहे हो, होती है ना गंदी बात, कह दो गंदी बात होती है, कह दो देखो फिर गंदी बात, गाइस देख लो मुंह में हाथ दे रही है ना। तो ये कमरा अभी फिलहाल काफ़ी टाइम से बंद पड़ा है, साफ सफाई नहीं हुई है। और ये है राजेंद्र ताऊ जी, ये है दीपक भाई, ये दादा, ये माँ जी, बापा माँ जी और ताऊ जी। और ये है राजमल ताऊ जी का कमरा। चलो मन्नो, वैसे मायरा से नहीं मिला पाया था, मायरा से भी मिल लो। मायरा कैसे लग रहा है बेटा, कैसा लग रहा है? गांव में ठंडी ठंडी हवा, चारों तरफ हरियाली और मायरा हंसने वाली। फर्स्ट टाइम आए हो आप गांव? हैं, फर्स्ट टाइम आए हो? बता दो, कह दो गाइस मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ गांव में। और मायरा पेड़ों को ऐसे देख रही है, वहाँ तो इतने देखने को नहीं मिलते। और अब अपने आप को देखो, क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो? खा जाऊं? बहुत खुश हो रही है, इसने अभी इतना मतलब खुला कर देखा नहीं है ना, वहाँ तो बंद बंद में रहती है, तो ज़्यादा हंस रही है, है? ज़्यादा हंस रहे हो, ये देखा मैंने गाड़ी को, ये पता नहीं गाड़ी के अंदर ये कैसे लग गया भाई, लगा भी पूरा अंदर तक, बहुत ज्यादा लग गया, अरे बाप रे, देखते हैं यार कैसे निकलेगा ये, अभी बहुत खींचने के बाद भी नहीं निकल रहा, और भाई अंदर तक गया हुआ है, अंदर से दिखाता हूँ इसके अंदर को, गन्ना है ये, फिर हम बहुत खींचने के बाद दोनों हाथों से अब निकला है, ये पूरा अंदर गया हुआ था। हम निकलने का टाइम हो गया गाइस, अब निकलते हैं थोड़ी देर में, गंदी नाली में गिर गई है, गंदी नाली में गिर गई है, गंदी गंदी के जूते वो यहीं खड़ी आ रही ऊपर, फिर गिर गई, कैसे गिर गए आप यहाँ पे? तो कैसे गिर गए थे, कैसे गिर गए थे, कैसे गिर गए थे बताओ, ऐसा उल्टी कर दो यहाँ पर साइड में। तो यार भाइयों, आप भी यार बंदरों को जिमाने के बाद में जो सड़क का कचरा होता है यार उसको साइड में फेंक दीजिए, क्योंकि यार केले के जो छिलके होते हैं ना इससे फिसलन होती है, और भाई किसी की बाइक वाइक फिसल जाए ना तो ये बहुत डेंजर है। तो यार इसलिए मैं ये साफ सफाई कर रहा हूँ यहाँ से, कि सड़क पर ना रहे कुछ भी ऐसी चीज़ कि जिससे कोई किसी के साथ कोई दुर्घटना हो सके। तो
तो इसलिए मैं ये सारा साफ़ कर दूँगा यहाँ से। और आप लोग भी यार ध्यान रखना, अगर ऐसा कुछ करते हैं कि केले की छिलका एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई भी कहीं भी फिसल सकता है, तो यार उस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यार ये साफ़ सफाई करके निकलते हैं घर के लिए। तो ये व्लॉग करते हैं यहीं पर ही ख़त्म, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।